नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकरेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपका स्मार्टफोन हीट हो रहा है? दोस्तों, सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि मेरा स्मार्टफोन हीट होता है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? ओवर हीटिंग की वजह से फ़ोन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और फ़ोन को ओवर हीट होने से कैसे बचाया जाए, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बस जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों, पहला रीज़न हैवी यूसेज। मॉडर्न स्मार्टफोन एक ही बार में मल्टीपल ऐप चलाने में सक्षम है। आप गेम खेलने के साथ साथ म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और कई ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, और इसी के कारण फ़ोन ओवरहीट होता है। हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कुछ मात्रा में हीट जनरेट तो करता ही है। तो अगर आप स्मार्टफोन का हैवी यूसेज करते हैं तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक साथ ही यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सेकेंड रीज़न है यूजिंग फ़ोन वाइल चार्जिंग। मतलब चार्जिंग के दौरान भी फ़ोन हीट हो सकता है। अगर आप सस्ता चार्जर यूज़ करते हो तो भी आपका फ़ोन हीट हो सकता है, क्योंकि वह चार्जर आपके फ़ोन के लिए नहीं बना होता है। तो हमें वही चार्जर यूज़ करना चाहिए जिस कंपनी का हमारा फ़ोन है। और जब आप अपना फ़ोन चार्जिंग पर रखते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन हीट होता है। और अगर आप फ़ोन चार्जिंग पर लगा कर यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन ओवरहीट होगा, जिसके कारण आपके फ़ोन की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो चार्जिंग के समय फ़ोन को यूज़ ना करें। थर्ड रीज़न है टू मैनी ऐप्स रनिंग इन द बैकग्राउंड। हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं और हम भूल जाते हैं कि कौन सी ऐप की हमें ज़रूरत है। जब ये सारी ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रहे होंगे तब आपके फ़ोन की बहुत सारी रैम का यूज़ हो रहा होगा, और इसके कारण आपके फ़ोन का प्रोसेसर भी ज़्यादा यूज़ होगा, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी। तो ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करके ना रखें, जो ऐप काम की है वही ऐप को इंस्टॉल करें। फोर्थ रीज़न हैवी स्ट्रीमिंग। ऑनलाइन वीडियो देखने के कारण भी फ़ोन हीट होता है। जब हम फ़ोन पर ऑनलाइन मूवी देखते हैं या फिर कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हैं तब फ़ोन के प्रोसेसर का यूसेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और फ़ोन ज़्यादा हीट होता है। फिफ्थ रीज़न हैवी गेमिंग। इन दिनों बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है और इनमें से कई गेम्स तो रन होने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, और जब आप हैवी गेम्स खेलते हो तो आपका फ़ोन ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसके कारण हीट जनरेट होती है। ओवर हीटिंग आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है और ये थ्रॉटलिंग के कारण होता है। थ्रॉटलिंग एक प्रोसेस है जिसमें अगर आपके प्रोसेसर का टेम्परेचर उसके मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर जाता है तब उस केस में सीपीयू फ्रिक्वेंसी को कम किया जाता है, सीपीयू को ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर सीपीयू की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को उतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं कर पाएगा जितनी तेज़ी से पहले करता था। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को स्लोली स्लोली प्रोसेस करेगा और इसके कारण फ़ोन के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा और फ़ोन की स्पीड स्लो हो जाएगी। प्रोसेसर बहुत स्मार्ट होते हैं, उनमें पहले ही प्रोग्राम किया जाता है कि जब प्रोसेसर ओवरहीट हो जाते हैं तब प्रोसेसर की जो क्लॉक रेट है वो रिड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। यही एक वजह है कि आप जब फ़ोन पर हैवी गेमिंग खेलते हैं तब कुछ समय बाद आप अपने फ़ोन पर लैग देखते हैं। तो ओवर हीटिंग से आपका फ़ोन टेम्पररीली स्लो हो जाता है। इसके अलावा हीट से बैटरीज पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और हीट के कारण बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो फ़ोन को ब्लेम करने के बजाय हम फ़ोन को कितना यूज़ करते हैं वो जान लें। फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करें, मतलब हद से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करो ही मत। स्मार्टफोन्स पावरफुल होते हैं लेकिन स्मार्टफोन्स हैवी गेमिंग कंटिन्यूस यूज़ के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि फ़ोन में लिमिटेड कूलिंग सिस्टम होता है। फ़ोन में कूलिंग के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होती। फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के यूज़ करना अवॉइड करो, क्योंकि इसके कारण फ़ोन ओवरहीट होता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के तो फ़ोन चार्जिंग के कारण हीट होगा, और आप जो गेम खेल रहे हैं उसके कारण भी हीट हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से फ़ोन हीट हो रहा है, तो इसकी वजह से फ़ोन ओवरहीट हो सकता है। फ़ोन केस की वजह से भी फ़ोन ओवरहीट हो सकता है। आमतौर पर फ़ोन कवर्स या केसेस प्लास्टिक या लेदर के बने होते हैं और इस तरह के मटेरियल हीट को कवर के अंदर ही रखते हैं और कवर के बाहर नहीं जाने देते, इसके कारण फ़ोन ओवरहीट हो सकता है। तो जब आपका फ़ोन हीट होने लगे तो फ़ोन का कवर निकाल लो और फिर यूज़ करें। फ़ोन के हॉटस्पॉट के कारण भी आपका फ़ोन हीट हो सकता है, तो हॉटस्पॉट को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।